गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, टुडे वी विल कंटिन्यू लेसन नंबर 6, एडजेक्टिव, द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। बेटा हमने कल इसका लेसन रीड किया था एंड क्वेश्चन आंसर किए थे। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, आपको ये अपनी फेयर नोटबुक में करनी है। एक्सरसाइज है, इसमें पिक आउट द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस बाय अंडरलाइन देम एंड से व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव। आपको जो यहाँ पर सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको अंडरलाइन करना है कहाँ पर जो एडजेक्टिव दिए गए हैं और उसके काइंड्स बताने हैं कि ये विच टाइप ऑफ काइंड्स है, व्हाट टाइप ऑफ काइंड्स है। फर्स्ट है, आई हैव नॉट गॉट मच वर्क टू डू। अब इसमें है मच एडजेक्टिव, कौन सा है? क्वांटिटी, मात्रा बताई गई है कि आई हैव नॉट गॉट वर्क हैव टू डू, कि मैं इतना काम नहीं कर सकता। इज देयर एनी मिल्क इन द ग्लास, क्या इस ग्लास में मिल्क है, कुछ मिल्क है? तो यहाँ पर एनी आ गया, एनी भी क्वांटिटी में होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पर हमने अंडरलाइन करना है एंड नीचे हमने काइंड लिखना है। देयर आर 24 कैंडल्स ऑन द केक। अब यहाँ पर 24 है तो ये नंबर में है, काउंटिंग में है तो ये नंबर आ जाएगा। देयर आर 24 कैंडल्स ऑन द केक, केक पर 24 कैंडल्स हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। दिस इज़ द फोर्थ टाइम शी वाज डम्प्ड मी, यहाँ पर फोर्थ है तो ये भी देखिए, यहाँ पर 24 था तो ये नंबर भी था, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यहाँ पर भी फोर्थ है तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर। दैट हाउस वाज ग्लूमी, दैट हाउस यानी कि उस घर में या फिर वो घर, तो यहाँ डेमोन्स्ट्रेट इशारा करके बताया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है, तो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाएगा। एंड है द बेबी हैज़ चूबी चीक्स, यहाँ पर बेबी की चीक्स कैसे हैं वो बताए गए हैं, तो यहाँ क्या है उसकी क्वालिटी बताई गई है, चूबी चीक्स हैं उसके, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट है, ही ड्रैंक ऑल द जूस इन द जग। अब ऑल द जूस, सारा जूस, तो यहाँ पर ऑल भी क्या है, नंबर में आ जाएगा, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट एट्थ है, ऑल द काउज बिलोंग टू द फार्मर। अब यहाँ पर भी क्या है, ऑल, इसमें भी क्या था, ऑल था तो ये नंबर में था, तो यहाँ पर भी ऑल आ गया, तो ऑल हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, और कौन सा टाइप है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट है, आई कैन सी दैट फ्लैग। अब दैट फ्लैग लास्ट हमने किया था ना, दैट हाउस, तो यहाँ पर दैट फ्लैग, फ्लैग की बात हो रही है कि उस फ्लैग को मैं देख सकता हूँ, तो यहाँ पर ये आ जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हु गेव यू दिस बुक, हु, अब यहाँ पर क्या है, पीछे क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर स्टार्टिंग में देखिए हु से है, तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, हु गेव यू दिस बुक, कि तुम्हें ये बुक किसने दी। सच अ फैंटेस्टिक मैच इट वाज, अब यहाँ पर सच आ गया, तो ये कि सच, यहाँ पर अब मैच की बात की जा रही है कि सच अ फैंटेस्टिक मैच इट वाज, कितना अच्छा, कितना फैंटेस्टिक मैच था वो, तो यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दोज बॉयज आर माई फ्रेंड्स, अब यहाँ पर भी दोज, अभी सामने वाले बॉयज़ की बात हो रही है कि वो फ्रेंड, वो दो बॉयज़ जो हैं वो मेरे फ्रेंड्स हैं, तो यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव। दीज डायमंड्स आर वेरी एक्सपेंसिव, अब ये डायमंड्स जो हैं ये बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो यहाँ पर भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है, जापानीज गुड आर चीपर देन इंग्लिश गुड्स। अब जापानीज गुड्स आर चीपर देन इंग्लिश गुड्स, अब गुड्स क्या होता है, सामान, तो जापानीज का जो सामान है वो चीप है इंग्लिश गुड्स से, इंग्लिश के सामान से जो, अब यहाँ पर क्या है, जापानीज की बात हो रही है, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट है, एवरी मैन हैज़ हिज ड्यूटीज़, तो यहाँ एवरी मैन, एवरी मैन के हर एक व्यक्ति को, तो यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तो ये एवरी क्या है, कौन सा टाइप है हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो ये आपको एक्सरसाइज को समझना है अच्छे से और आपको ये राइट डाउन करना है, देन आपको ये लर्न करनी है। ओके, थैंक यू।